हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और अभी आप पहले तो ये बताओ, मेरा फ्रेम कैसा आ रहा है और मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? क्योंकि ये वीडियो इसी के ऊपर है कि आपको अपना, अगर कोई गोप्रो सेटअप करना चाहता है, मोबाइल से ब्लॉगिंग करना चाहता हो या फिर गोप्रो से, तो वो सेटअप बताने वाला हूँ मैं कि कैसे कर सकते हो आप। इस वीडियो से आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भाई कम से कम 4-5 वीडियो देखी। उनमें भाई सबसे मतलब उनमें सब कुछ नहीं बता रहे थे कि कैसे क्या करना है। कुछ वीडियो में आधा बता रहे थे और फिर दूसरी वीडियो देखनी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा भाई मैं वीडियो बनाता हूँ इस पर और एक ही वीडियो में सब कुछ प्रॉब्लम आती है जो जो वो पूरी क्लियर कर देता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने लोकेशन पर जहाँ पर मैं शूट करना है वीडियो। ऐसे ही मैंने अपनी बाइक लगा ली और यहीं पर वीडियो शूट करते हैं अभी। और इतनी सारी ऐसी सीरीज हैं जो आपको माउंट सेटअप में लगनी ज़रूरी हैं, मतलब ये 100% लगेगी जब ही आपका सेटअप बिल्कुल क्लियर हो पाएगा, मतलब फिर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो एक एक से बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये है मेरा गोप्रो का, मैं गोप्रो आया था। और दूसरी बात है, ये है एडाप्टर। अगर आप गोप्रो से वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये एडाप्टर लेना बहुत ज़रूरी है। और ये एडाप्टर आया था 4100 रुपये का, यानी मैंने ऑफलाइन लिया था, 4100 रुपये का आया था, और ऑनलाइन पता नहीं कितने का आता है। तो ये एडाप्टर है और ये भी आपको 100% लेना पड़ेगा, ये इसकी केस है। और ये आई थी ऑफलाइन ही, मैंने ये ली थी इंदौर में ही, 800 रुपये की आई थी। माइक आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा बोया बाय M1 का माइक लेना। गोप्रो की आपने वो वॉइस सुनी होगी, इसी माइक से रिकॉर्ड होती है। और ये भाई आपकी नॉइज़ को बिल्कुल रिड्यूस कर देगा और आपकी वॉइस आएगी क्लियर वॉइस। तो ये मैं आपको माइक रिकमेंड करूँगा। ये कोई भाई स्पॉन्सर वगैरह या किसी ने बोला नहीं है, मैं अपनी चॉइस से बता रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी वीडियो वगैरह बनाई है और इसकी वॉइस मेरे को 100% पसंद आई, इस हिसाब से बता रहा हूँ। और अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा गोप्रो सेटअप, जो कि अभी क्लियर रखा है, बिल्कुल सेटअप करके रखा है। और अभी आपको दिखाऊंगा कि इसको मैंने कैसे किया और मतलब माइक आपको कहाँ फिट करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए आपको लगेगा, पहले तो पास में कैमरा लाना पड़ेगा इसके लिए। अभी मैं अपना गोप्रो निकालता हूँ और फिर दोबारा से असेंबल करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी असेंबल करने में, मतलब लगाने में। और अभी मैं आपको लास्ट में यही बता दूंगा इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, गोप्रो हेलमेट A to Z सबकी कितना पैसा लग जाएगा। तो अभी मैंने अपना गोप्रो निकाल लिया है और ये रहा मेरा हेलमेट और इसी में है माइक फिट। और अभी दिखाते हैं कि कैसे इसको फिट करना है। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ, आपको लगेगा पहले हेलमेट, जो कि आया था, ये मेरा हेलमेट है, ये आया था 2000 रुपये का। और इसमें लगाने के लिए आपको ये माउंट लगेगा जो कि ऊपर स्टिक हो जाएगा, ये मतलब ये आया था 400 रुपये का। और ये आया था इतना 400 रुपये का। और इसका पता नहीं मेरे को, ये 400 का ये पैकेट आता है, उसमें मिल जाता है माउंट का। तो इसको आपको ऐसे फिट कर देना है यहाँ पे ऐसे लगा के, तो ये आपका इतना माउंट फिट हो जाएगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब गोप्रो फिट कैसे करना है। अभी मेरा फेस नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ कि गोप्रो की केस कैसे लगाना है आपको। तो पहले निकालता हूँ, तो ये है भाई मेरा गोप्रो। और इस साइड आपके जो बैटरी का वो लगा होगा, एक ढक्कन सा, उसको निकालना पड़ेगा, यहाँ से इजीली निकल जाता है वो। ये है गोप्रो और अभी आपको इसको फिट कैसे करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये है केस, ये ऐसी आपकी कवर आएगी, नॉर्मली ऐसे डाल देना है ऐसे। ये अभी आपका गोप्रो फिट हो गया और अभी आपको इस साइड का ये लगाना है। तो इस साइड का ऐसे करके इसको नीचे साइड खींच के, ये आपको बटन दिख रहा है, इसको नीचे साइड खींच के फिट कर देना है। और फिर आपको ऐसे इसको लगा के और इसको नीचे साइड खींचना है, इसको इस साइड, और इसको दबा देना है और इसको छोड़ देना है। तो अभी आपका ये फिट हो गया बिल्कुल। और अभी इसमें आपको मैं वो एडाप्टर फिट करके दिखाता हूँ, एडाप्टर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, नहीं जब तक आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये है इतना सा एडाप्टर, जो कि 4000 रुपये का आया था, इतने का ही आता है। ऑनलाइन ऑफलाइन लोगे तो सस्ता आ जाएगा, ऑनलाइन लोगे तो महंगा होगा। तो अभी इसको एडाप्टर को फिट करने के लिए पहले आपको इस साइड ये डाल देना है, ऐसे फिट कर देना है, तो आपको एडाप्टर फिट हो जाएगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हेलमेट में माइक कैसे फिट है। सबसे मुश्किल काम है हेलमेट में माइक फिट करना, जो कि आपको भाई बहुत प्रॉब्लम देगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर अलग से वीडियो दिखा देता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी बता देता हूँ कि कैसे फिट करना है। आपका बोया M1 का माइक आएगा, तो ये हेलमेट का इस साइड का जो खुल जाता है, तो पूरा एक्स्ट्रा वायर होगा वो इनके नीचे दबा देना है। और हमने माइक के पोर्ट को मैंने देखो यहाँ पे लगा रखा है, मतलब माइक जहाँ से रिकॉर्ड होता है, अपने यहाँ पे फेस आता है तो यहीं से रिकॉर्ड होता जाता है। और इतना सारा मैंने जो इतनी सी वायर अपनी यहाँ से निकाल लिए, जिससे कि अपने गोप्रो में लगा सकते हैं। और अभी ऐसे ही है, देखो मैंने वायर पूरे हेलमेट में फैल रखा है, इधर जे नीचे साइड आपको दिख रहा होगा,
नहीं मैं एक अलग से वीडियो देकर डाल दूंगा कि कैसे फिट करना है। तो अभी मैं आपको अपना गोप्रो फिट करके दिखाता हूँ कि गोप्रो फिट कैसे करना है। अभी इतना तो जो फिट है, हेलमेट का फिट करना तो बता दिया मैंने, तो अब आपको गोप्रो फिट करना है। इसको ये ध्यान रखना है, ये ऊपर साइड नहीं होनी चाहिए, ये नीचे साइड होनी चाहिए। तो अभी गोप्रो फिट करने के लिए ऐसे नॉर्मली यहाँ पे ऐसे गोप्रो लगा देना है। बाद ये आपके पास ये होगी और इसको ऐसे लगा देना है। इसको अच्छे से कस दिया और अभी आपको वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए ये है मेरे वॉइस का वायर और इसको अभी अडॉप्ट करके इसमें फिट कर देना है ऐसे। और अभी आपका गोप्रो सेटअप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको ऐसे सीरीज बता ही दी है कि क्या क्या लगेगी और अभी जो और क्या रहा है। और अभी ये देखो, ये है मेरा माउंट सेटअप, ये आपको ऐसा दिखेगा गोप्रो सेटअप। अगर आपको वो मोबाइल लगाना है तो इस गोप्रो की जगह ये माउंट आता है, इसको यहाँ पे लगा के फिर अपना मोबाइल फिट कर सकते हो। भाई जब मैंने आपको पूरा फिट करके बता दिया कि कैसे फिट होना है, कैसे आपको असेंबल करना है और क्या क्या आपको लगेगा। और मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, अगर आप मोटो ब्लॉग गोप्रो से बनाओगे जब तक आपके पास ये एडाप्टर नहीं होगा, जब तक आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी किसी भी हालत में, और केस भी लगेगी ज़रूरी क्योंकि इसके बिना नहीं तो बैटरी गिरने का डर रहता है। और माइक आप अपने हिसाब से ले सकते हो जिसको जो आपको अच्छा लगे। और इनकी कॉस्ट भी बता दूँ, ये है भाई 4100 का और एक केस आई थी 800 रुपये की, 800-900 ऐसे रुपए की। और ये माइक आया था 800 रुपए का और मेरा गोप्रो आया था, गोप्रो अभी मैं ऑनलाइन देख लिया ना कितने का आया था, लेकिन मैंने तो एक दोस्त लिया था सेकंड हैंड, वो आया था मेरा 20,000 रुपए का, हाँ 19,000-20,000 रुपए का आया था। मेरा गोप्रो हीरो 9 है, यही सेटअप है और एक नंबर सेटअप है, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी 1% भी कि वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, रैम में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फ्रेम आपने पहले देख ही लिया होगा। तो यही था भाई मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। और कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।